सभी को पहले तो सबसे फर्स्ट एंड फॉल मेरी तरफ से धन्यवाद मैं करता हूँ। आप लोग कीमती समय अपना निकाल करके यहाँ अपने बच्चे को लेके आए, और हमारा जो एकेडमी है ज़्यादा चीज़ें हैं, अभी बच्चे का पेपर अच्छा हुआ है, बच्चे बता रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा आज के दिन कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 25 से 30 बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं हमारा। हाँ, तो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ बच्चे हैं जो हमारा जो GDAG ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पर टेस्ट चल रहा है, तो ऑनलाइन लिंक सब लोगों को गया भी होगा, आप में से कई लोगों को, तो उस पर हमारा टेस्ट चल रहा है, तो ऑनलाइन बच्चे काफ़ी दूर दूर से उस पर पेपर दे रहे हैं। अभी ऑफलाइन पेपर देने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे आए, समय निकाला, और आप अभी मैं अकेडमी का अपना ओवरव्यू अभी आप सबके सामने रखूंगा, कैसे बच्चों की दैनिक दिनचर्या है, कैसे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, हमारा क्या रिजल्ट रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, अभी हमारी जो ये एकेडमी है, ये लालपुआ गाजियाबाद में पहले 2018 से हम लोग इसे चला रहे हैं, और एक से बढ़ करके हमने रिजल्ट दिए हैं यहाँ पे, तभी ये है कि आज हमारा एकेडमी इतने कम समय में, 2 साल जिसमें हमने लॉकडाउन को भी दिए, काफ़ी लोग हैं, हम अभी अपनी एकेडमी में 6 से 7 स्टेटों के बच्चों को यहाँ पे रख रहे हैं। हमारे पास में आंध्रा से बच्चा है, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के, तो चारों तरफ से ही बच्चा है। तो इस छोटी सी प्लेस को देख करके पेरेंट्स भी, देखो 2 तरीके होते हैं जो मैंने समझा है। एक पेरेंट्स होते हैं जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग, हाईफाई सोसाइटी, ये सारी चीज़ों को देखते हैं, और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई को अहमियत देते हैं। हमारा सिर्फ आपका और हमारा यहाँ मेन उद्देश्य रहेगा कि जो पब्लिक स्कूलों में भी गदर बचाया हुआ है कि बच्चे को सुबह से शाम तक भेज रहे हैं, अभी हमारे पास आप जुड़ते हैं तो अब आप खुद देखेंगे कि हमारे में और उनमें क्या डिफरेंस है। अगर इस बिल्डिंग को छोड़ करके हम ये चीज़ें देखें कि हमारा जो स्टाफ है वो अभी 24 आवर्स यहाँ पर वर्किंग रहता है, सारे रेजिडेंशियल टीचर हैं, कुछ टीचर आज हमारे 4 से 5 टीचर, कुछ का एग्ज़ाम है और कुछ अपने किसी शादी का सीज़न चल रहा है तो उस वजह से इमरजेंसी में गए हुए हैं, फैमिली में शादी है, तो सभी रूमों में हमने एक एक टीचर की व्यवस्था की हुई है, और कोई भी लोकल टीचर नहीं है, सारे के सारे एक्सपीरियंस एग्ज़ाम होल्डर ही टीचर हैं। ये जो चीज़ें हैं कि कई बच्चे हैं जिनको रीडिंग वगैरह तक में प्रॉब्लम आती है, मेन है कि बच्चा लिख नहीं पाता, तो अब ये जो हम बच्चे को बाहर लेकर के चलते हैं तब इन सब चीज़ों पर ध्यान जाता है, जब नॉर्मल बच्चा स्कूलिंग कर रहा होता है तब बच्चे पे ध्यान नहीं जाता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे कि बच्चा क्या पढ़ के आ रहा है, बच्चे ने सुबह को बैग उठाया, शाम को वापस आ गया, फिर 2-3 घंटे का ट्यूशन दे दिया बच्चे को, बच्चा ठीक चल रहा है, रिजल्ट है आपका 90, 95, 98%। हम कभी ये नहीं पूछते कि बच्चे को हमारे को कुछ इसके अंदर है नहीं तो ये बच्चा इतना तकड़ा रिजल्ट लेके कैसे आ रहा है। जब हम कहीं अदर जगह पे एग्ज़ाम दिलवाते हैं बच्चे को, किसी भी कंपटीशन में बैठवाते हैं, तब पता चलता है इन सब चीज़ों का कि बच्चे ने अभी हमारे बच्चे ने और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है। कॉम्पिटिशन जो अभी आप देख रहे हैं कि पहले नीट का, IIT का या NDA का मार्किंग जो थी, अभी 100 परसेंटाइल पे भी सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनमें भी पॉइंटों की लड़ाई रह गई है। पहले नंबर का डिफरेंस ज़्यादा होता था, वेरिएशन कि 10, 20, 30, 40, 50 नंबर का वेरिएशन था, अभी तो ये है कि पॉइंटों में लड़ाई है। अभी आप किसी भी परसेंटेज, किसी CGL का एग्ज़ाम निकालो, SSC वगैरह किसी का भी देखेंगे तो सब में जो फाइट है वो पॉइंटों में रह गई है कि मेरा 0.3 से रह गया वो। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए अभी हम जो अभी कोचिंग स्टार्ट करा रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन है कि कंपटीशन आप स्टार्टिंग से अपने बच्चे का लेके चलेंगे, और ये स्टार्टिंग है, बच्चे को समझ होगा कि हाँ भाई मैं कंपटीशन दे रहा हूँ, और बच्चा जब तक 10th 12th में आएगा तो उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका होगा, क्योंकि घर का एक माहौल रह गया है कि अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो बच्चे के पीछे लगिए या फिर ये है कि बच्चों के लिए फ़ीस का जुगाड़, सारी चीज़ें हैं, अब फीस का जुगाड़ नहीं करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा क्या, उसके ऊपर पूरा ध्यान जाएगा, तो इसीलिए बोर्डिंग स्कूल बनाए गए। कि बोर्डिंग स्कूल का भी मतलब तब तक बनता है जब तक कोई बोर्डिंग स्कूल किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहा है, ये नहीं कि हाँ भाई हमने बोर्डिंग करा दिया, जो नॉर्मल पब्लिक स्कूल पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वार्डन उनको देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे गाजियाबाद से अभी हमारी बस लेके आती है बच्चों को, 40 से 50 पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास बच्चों को भेजेंगे सुबह को, और शाम को बच्चा जाएगा। उसके बाद जो हमारे हॉस्टलर बच्चे बसते हैं उन पर पूरा जो हमारा टीम है वो स्कूलिंग के बाद जो टीचर का रूप है वो एज ए पेरेंट्स हो जाता है, एज ए उनका गार्जियन के रूप में हम लोग काम करते हैं। वो 24 आवर्स हम यहाँ पे टीचर नहीं रह सकते इन बच्चों के साथ में। उसके बाद ये है कि उनका बच्चों ने जो दिन में पढ़ा है उसका हम पूरा रिवीजन, जो भी एक्सप्लेनेशन है, किसी बच्चे को डाउट है, ये डाउट क्लास हम लोग 3 से 4 घंटे की रखते हैं अपने यहाँ। यही एक दुनिया है बच्चे की, इसी 4 दीवारी के अंदर बच्चे का खाना भी है, मम्मी भी, पापा भी, सब लोगों का हमें ही रोल अदा। तो अभी हम लोग अपने एकेडमी का ओवरव्यू आप लोगों को देंगे,
जिसमें हम लोग 4 से 5 एग्ज़ाम हम लोग बच्चे का कंडक्ट कराते हैं। मेनली क्लास 6 और क्लास 9 में बच्चे का टेस्ट होता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, यूपी सैनिक स्कूल, इसका भी एज क्राइटेरिया है। 10 से 12 ईयर के एज का बच्चा क्लास 6 के लिए प्रिपेयर करेगा और 13 से 15 ईयर का बच्चा 9th के लिए प्रिपरेशन करेगा। कुछ स्कूल हैं जो 5th क्लास से भी लेते हैं, लाइक जैसे राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, हरियाणा का एकमात्र स्कूल है सोनीपत में, ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें स्पोर्ट्स की तैयारी बच्चे को कराई जाती है। उसके साथ साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, आजकल प्रेफरेंस लोगों की ज़्यादा बन गई है, वहाँ से जो एनडीए का रिजल्ट निकल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, नीट का और आईआईटी का। तो ये सारे स्कूल हैं जो हमारे बच्चे को पब्लिक स्कूल से कुछ अलग बनाते हैं। कुरुक्षेत्र वाला बिल्कुल, उसने भी 4 ब्रांच बना दिए हैं। आपके रेलवे से काफ़ी बच्चे अभी हमारे रिजल्ट दिया है और वो सब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका हम लोग रिव्यू लेते हैं, फीडबैक, बहुत अच्छा रिजल्ट है सभी स्कूलों। ये हमारा ऑफिस एरिया हो जाता है, उधर हमने ऊपर स्टूडियो बनाया हुआ है, ये वाला हमारा भी खाली है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड क्लास का रहेगा और गर्ल्स का भी रूम हमारे पास है, अभी 10 से 12 लड़कियाँ उन बच्चे हमारे पास, एक मैम है वही प्रॉपर सारी चीज़ें, क्लासिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम। उसके बाद हमारा जो नीचे वाला फ्लोर है ये हॉस्टल फ्लोर है। अब से थोड़ा सा हमने कूलर वगैरह भी लगाए हुए हैं, पंखे हैं, ग्लोव्स हैं, बाकी ए सी वगैरह की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। इस रूम की जिम्मेदारी संजय सर पे रहती है जो कि भरतपुर से बिलोंग। सभी के पास प्रॉपर अपना एक एक बेड है और कोई भी प्रॉब्लम होती है रात में किसी को डर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग वगैरह प्रॉपर रहती है और मतलब ये है कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, बीच में बात रह गई थी, वो यही पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई को अहमियत दे करके, क्योंकि बच्चे का जो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 साल या 2 साल, उसके बाद बच्चे का फ्यूचर अलग होगा, वो किसी एक अच्छे बड़े कैंपस में जाएगा, उसका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद बच्चा वहाँ की दुनिया भी अपनी अलग है, वो भी एक चार दीवारी में, बस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वाइज ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तब करना पड़ेगा, पहले के राजा महाराजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। अब वो सारी जो सुख सुविधाएं हैं, एक तरीके से प्रॉपर बेड होना चाहिए, कपड़े धुले मिलेंगे, खाना पीना अच्छा है, वो चीज़ें हैं। हम लोग भी नीचे से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी अगले साल तक भी हमारा है कि 1-2 साल में हम लोग अपना खुद का कैंपस रेडी करें। ये अभी इसमें रोहित सर हैं जो हमारे एटा मैनपुरी से हैं, उनको ये वाली जिम्मेदारी है। बस ये कि वो जो डे स्कॉलर बच्चे हैं वो नहीं आते, हमारे हॉस्टल बच्चों का हम एवरी मंडे टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होगा, तो उसमें हम लोग बच्चे का जो टेस्ट होगा उसमें पूरे वीक में जो पढ़ाया उसी का रिवीजन चलेगा, उसी की प्रैक्टिस कराएंगे, वो सारी चीज़ें फिर हमारे टेस्ट में होती। बच्चे को एक तरीके से पूरा तैयार किया जाता है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है। एग्ज़ाम लेवल देखेंगे तो प्लस 12th लेवल पे जो कंपटीशन हो रहे हैं उनका सिलेबस है पूरा क्लास 6 के लिए। एक तरीके से मानिए कि इतना छोटा बच्चा UPSC की तैयारी कर रहा हो। अभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र का मेन बैच चल रहा है हमारा, जिसका 17 मार्च को एग्ज़ाम है, उसके बाद में फिर से हमारा न्यू सेशन। सबका हमने एक कार्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये बच्चे बात कर रहे हैं, कार्ड सिस्टम है, इसमें आपके बच्चे के 3 नंबर ऐड करवाएंगे हम लोग, 3 नंबर आप लोग इसमें ऐड करवाओगे, उसमें एक पेरेंट्स का नंबर रहेगा, एक गार्जियन का, किसी का भी दे सकते हो, मदर फादर। तो इसमें यह है कि बच्चा आपको पता रहेगा कि ये बच्चा कहाँ पे बात कर रहा है, अननेसेसरी कहीं पे बात नहीं होगी, संडे टू संडे जैसे ही बच्चे का होता है, सैनिक स्कूल जो मिलिट्री स्कूल है उनमें भी टेलीफोनिक लगाया हुआ है, तो उसी तरीके से बच्चा बात करेगा, कार्ड लगाएगा, इसमें 3 नंबर ऐड है, इसमें ये जो इधर से ही बच्चा मिला सकता है, उधर से आपकी कॉल दी है। जब भी बच्चा फ्री होता है क्लास से वो अपने आप संडे टू संडे बच्चे की बात होती है, कोई इमरजेंसी है तो आप लोग हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल करके बताइए, हम उस बीच में भी बच्चे की कॉल पर बात कराएं। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जो अभी लोग निकलेंगे, मैं 750 से वो डे स्कॉलर बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग उनकी क्लासेस कराते हैं साथ में। उससे पहले एग्ज़ाम टाइम है तो हम लोग GK वगैरह की क्लासेस भी सुबह के टाइम में रखते हैं, जिससे कि बच्चा सुबह उठ करके GK वगैरह अपना उसकी एक क्लास हम लोग प्रॉपर वे में रखेंगे। अभी एंट्रेंस है तो उस टाइम पीरियड में हम लोग बच्चे की एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग यहाँ पे पोहा है, फ्राइड राइस है, दलिया है, जो भी हेल्थी फूड है ब्रेकफास्ट, वो लोग हम लोग यहाँ पे सुबह के दिन चेंज करा के कराते हैं। उसके साथ साथ दिन में जैसे 7:50 से क्लास स्टार्ट होंगी तो 10 o'clock तक, 10:10 तक वो क्लास चलेगी, 10 मिनट का हम लोग ब्रेक देंगे पानी वगैरह के लिए। उसके बाद में ये जो क्लास है वो 12:20 तक चलेगी, फिर 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा। लंच में हम लोग एक दाल रखते हैं, सीजनल सब्जी रहेगी, अभी गर्मी आ गई है तो छाछ रहेगी, रोटी, उसके बाद में राइस भी रहेगा। और 3:20 तक ये क्लासेस चलेंगी, 3:20 के बाद में
बच्चे जो हैं डे स्कॉलर वो अपने घर चले जाते हैं, फिर हमारे हॉस्टल वाले बच्चे एक घंटे का रेस्ट लेंगे। रेस्ट के बाद में फिर उनकी 4:20 से क्लास चलेगी 5:30 तक, फिर एक घंटे का गैप पीरियड होता है बच्चे का 20 मिनट की असेंबली के बाद, 7:00 से फिर क्लास स्टार्ट करते हैं 8:00 तक। उसके बाद हम लोग डिनर टाइम रखेंगे 40 मिनट का, 8:40 से फिर क्लास स्टार्ट होगी आपकी मैथ रीजनिंग की, जिसमें बच्चा जो प्रैक्टिस है, जो उनके डाउट हैं फुल डे के, वो लोग हम लोग लेंगे। 9:40 तक वो क्लास रहेगी, फिर हम लोग बच्चे को छोड़ेंगे, फिर बच्चे को रात को दूध पिलवाएंगे और कोलगेट ब्रश करा करके 10:10 तक हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप आए हैं, बच्चा है छोड़ेंगे, तो हम सब ने आपके लिए यहाँ पे लंच अभी रेडी है, तो आप सब लोग लंच। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. देखिए, मैं मोहित चौधरी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और आज हम लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट काफ़ी सक्सेसफुली रहा, अराउंड 30-40 बच्चों ने टेस्ट कंडक्ट करो पेरेंट्सों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया है, जिसमें कुछ बच्चे ऑनलाइन थे, कुछ बच्चे ऑफलाइन थे। जो बच्चे ऑफलाइन हैं और जिन जो हमारी वीडियो को अभी ये देख रहे हैं, पूरा ओवरव्यू आप लोगों ने हमारी एकेडमी का समझा, उसके साथ साथ अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं अपनी एकेडमी गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी का बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ।